हमीरपुर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है। ज्योतिष के अनुसार श्रावण मास या शिवरात्रि के दिन यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। भगवान भोले का रुद्राभिषेक करने के लिए हमीरपुर के जिलाधिकारी भी मुख्यालय स्थित सिंह महेश्वर मंदिर पहुंचे हुए थे। ये मंदिर माँ यमुना के तट पर है और कई सौ वर्षों पुराना है और जनपद में एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है और जिला मुख्यालय के पास में होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ पर नगर के आसपास के लोग सबसे ज्यादा यहीं पर आना पसंद करते हैं। यहाँ पर चंदन का पेड़ है, यहाँ पर जो पुजारी जी हैं चंदन के पेड़ों की बड़ी सेवा करते हैं और संगम तट पर बसा हुआ है, इसी का नाम इसका संगमेश्वर भी कहा जाता है। सिंह महेश्वरी भी कहते हैं, संगमेश्वर भी कहते हैं। भगवान शिव का एक भव्य और प्राचीन मंदिर जिसे संग महेश्वर के नाम से जाना जाता है वह हमीरपुर मुख्यालय में यमुना नदी के तट पर स्थित है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज सुबह से ही यहां भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए बेलपत्र और दूध से रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो वह अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए प्रशासन ने बीते दिन ही सभी शिवालयों के आसपास साफ सफाई से लेकर पुलिसिंग व्यवस्था का इंतजाम कर लिया था ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर जनपद हमीरपुर में कुल 19 जो प्रमुख आयोजन हैं और इन सभी थाना क्षेत्रों में उनकी ड्यूटीज लगा दी गई थी और महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही हमारे क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मैं स्वयं और जिलाधिकारी महोदय हम सभी भ्रमणशील हैं और जहां भी ये सभी आयोजन हो रहे हैं शांतिपूर्वक प्रातःकाल से आयोजन चल रहे हैं। हमीरपुर मुख्यालय में यमुना के तट पर स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक संगमहेश्वर मंदिर सहित सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता रुद्राभिषेक के लिए उमड़ा हुआ है। लोग अपने अपने हिसाब से भगवान भोलेनाथ को खुश करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं।